उत्तराखंड के खटीमा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज अपने लोकसभा चुनाव के दौरे पर खटीमा विधानसभा पहुंचे, जहां पार्टी कार्यालय में पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि जिन जिन विधानसभा में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी, मुख्य रूप से उन क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा है और आगामी 17 अप्रैल तक रणनीति तय करनी है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में हो सके। वहीं उनका कहना था कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। साथ ही लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट की सांसद निधि के खर्च होने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि उनकी टोटल सांसद निधि खर्च हुई है। विधानसभा आया हूँ। ये विधानसभा हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री धामी के हृदय में है, उनका कार्य क्षेत्र रहा है। पिछली बार विधानसभा जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस बार शत प्रतिशत बूथ पर भारतीय जनता पार्टी जीते। इस उद्देश्य से हम जो हमारी प्रदेश की टोटल जो 23 विधानसभाएं हारी हुई हैं, उनमें प्रतिशत में मेरा जाना हो रहा है। मुख्यमंत्री का यहाँ प्रवास हुआ है और आज हमारी बूथ की जो विधानसभा की बूथ समिति है और कोर में मुक्ति में उसके साथ बैठक हुई है और आगामी 17 तारीख तक के लिए हमने कार्यक्रम निर्धारण किया है और वो कार्यक्रम हमारा अपने का ही कार्यक्रम हो रहा है। मत प्रतिशत बढ़े इस भाव के साथ हमारी आगामी दिनों में बूथ स्तर पर बैठकें होंगी और बूथ स्तर पर भी हमने तय किया है कि इस बार टोटल पोलिंग का 75% वोट ये बीजेपी पक्ष में है। जो रणनीति हमने चंपावत चुनाव में तय की थी, उसी रणनीति के तहत हम इस बार प्रदेश के 70 के 70 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी में कार्यकर्ता लंबे समय तक रहता है और बीजेपी कार्यकर्ता कुछ दिन से बाहर से बात नहीं आता है। बीजेपी व्यक्ति को विचारों से जोड़ती है, संगठन के उद्देश्य से जोड़ती है और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के जो विकास की गति बढ़ी है, उस विकास गति को और बल देने के लिए भिन्न भिन्न दलों के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनका स्वागत कर रहे हैं। मतदान से एक दिन पूर्व तक हम कांग्रेस सहित सभी अनेकों दलों के लोगों को अपने दरवाजे अपने खोले हुए उनका हम स्वागत करेंगे। और मुझे तो इस बार ऐसा लगता है कि मोदी जी का ऐसा प्रभाव है, कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के लोग भी हो सकता है कमल का ही बटन दबाए। हमारे यहाँ तो हमेशा अनेकों दलों के लोग जो वैचारिक रूप से बीजेपी के सिद्धांतों पर आस्था व्यक्त करते हैं, मोदी जी और प्रसन्न धामी जी कार्यों के प्रति जिनका उत्साह बढ़ा है, ऐसे सब लोगों को स्वागत करना है। मोदी जी ने नहीं दिया, जनता का नारा है, 400 पार जनता का नारा है, हम उन नारे को दोहराने वाले हैं। सच बता दूं मैं, सांसद निधि हर सांसद की पूरी तरह खर्च होती है, खर्च हुई है। इसके आंकड़े इस रूप में होते हैं, कई बार क्या होता है कि जो धनराशि निर्गत जिला प्रशासन द्वारा होती है उसमें विलम्ब होता है। मैं दावे से कह रहा हूँ एक एक योजना जो उनकी दीदी का जो धनराशि आई होगी उस सबके प्रस्ताव उन्होंने CDO ऑफिस में भेजे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।